नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव पांडे आपके अपने ऑनलाइन संस्था टारगेट विद आलोक में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, जहां भी होंगे अपनी सेहत का ध्यान रख रहे होंगे। ठीक। और सबसे बड़ी चीज़, जैसे जानते हैं कि हमारी संस्था में एलटी का बैच चलाया जा रहा है, उसके लिए एलटीजीएस एक पोर्शन है। ठीक है, 30 क्वेश्चन उसके आते हैं, जिसमें से 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन हिस्ट्री के होते हैं। तो 5-6 क्वेश्चन की वरीयता जो है वो मतलब होती है, स्पेशली अगर जिनका सब्जेक्ट हिस्ट्री है तो उनको कोई दिक्कत है नहीं, वो तो मान लीजिए पूरा पढ़ ही रहे हैं। पर जिनके अदर सब्जेक्ट हैं उनके लिए 5 नंबर तो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो जैसे कि पिछली बार के पैटर्न का पेपर मैंने देखा, तो उसमें आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि वेद से प्रश्न आया था एक, उसके बाद पत्नियों को मिलाने का, मतलब पत्नियों को पति से मिलाने का आया हुआ था प्रश्न। ठीक है, फिर जब नया पैटर्न ऑफ व्यू देख रहे हैं तो उसमें इंडियन नेशनल मूवमेंट है, पर अभी हम उस पर श्योरिटी नहीं दे सकते हैं क्योंकि ऐसा कभी कुछ सिलेबस जो है वो जारी हुआ नहीं है। ठीक है, या ऐसा कुछ सिलेबस जो है वो अभी सामने आया नहीं है, तो हम उस पर प्रायोरिटी उतना नहीं दे सकते हैं। आज का जो टॉपिक है जो आपके सामने मैं लेके आया हूँ, वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और वो है वेद। आप अगर सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि वेद से जैसे जो जैसे टीएचटी पीएचटी के जो एग्जाम होते हैं, एलटी के जो एग्जाम होते हैं, इसमें ये प्राचीन भारत को ज्यादा टारगेट करते हैं। आप टीएचटी पीएचटी में देखेंगे तो प्राचीन भारत से प्रश्नों की संख्या काफी ज्यादा रहती है। तो इसमें क्या है कि वेद एक्चुअली वैदिक युग पूरा पढ़ने का मतलब ये है कि फिर बीच में थोड़ा सा कोलैप्स हो जाएगा, इसीलिए एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन को मैंने निकाला। 35 से 40 मिनट लगेगा वेद, वेद कोई छोटा टॉपिक नहीं है, वेद में 35 से 40 मिनट आपको लगेंगे और वेद को आपको क्लियरली पढ़ना है। उसके साथ साथ क्या है, हर वेदों की व्याख्या, उसके हर वेदों की शाखाएं, हर वेदों के पुरोहित, हर वेदों के उपवेद, ठीक है, हर वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ, हर वेदों के अरण्यक, ठीक है, उसके बाद उपनिषद, किस उपनिषदों में किसमें यम नचिकेता के संवाद है, ठीक है, किसमें पहली बार देवकी पुत्र भगवान कृष्ण का जिक्र मिलता है, किसमें जल प्लावन मतलब बाढ़ का जिक्र मिलता है। तो ये सब एक छोटे छोटे मतलब क्या कहते हैं पोर्शन है जहां से आपको सवाल अक्सर आ जाते हैं। वेद को अपौरुष कहा गया, ठीक है, अपौरुष कहने का मतलब उसका रीजन था, पहले क्या था कि सुनने का माध्यम जो होता था, सुनने के माध्यम से ही लोगों का डेवलपमेंट होता था। सुनने के माध्यम से लोगों का डेवलपमेंट कहने का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आपने उसको सुना, याद हो गया, आपने लिखा नहीं, फिर आप अपनी पीढ़ी को, फिर आप उसको सुना रहे हैं, फिर आपकी पीढ़ी याद कर ले रही है, फिर आप अपनी अगली पीढ़ी को बता रहे हैं, फिर वो पीढ़ी याद कर ले रही है। तो ये क्या था, अगर एक भाषा में कहा जाए, कंठस्थ वाली चीजें थी जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनने के आधार पर ट्रांसफर होती थी, इसलिए इनको श्रुति भी कहा जाता है, श्रुति मतलब सुनना, ठीक, वेद को अपौरुष भी कहा जाता है। लेकिन वेद शब्द की जो उत्पत्ति हुई वो जनरली ज्ञान से हुई, और वेदों में ज्यादातर ईश्वर की महिमा के बारे में जिक्र मिलता है। अगर पर्टिकुलर कोई भी भगवान है हमारे, कोई भी ईश्वर है, तो अगर वो ईश्वर, उनका महत्व क्या है, वो किस क्षेत्र में उनकी महानता है, हमें किस क्षेत्र में वो मदद करते हैं, ये सारी की सारी जो जानकारी है, ये सभी की सभी जानकारियां हमको कहां से मिलती हैं, तो ये सभी की सभी जानकारियां हमें वेदों से मिलती हैं। तो वेद शब्द का उद्भव जनरली ज्ञान से हुआ, ठीक, वेद शब्द का अर्थ क्या होता है, ज्ञान। अब वेद नाम क्यों पड़ा, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि वेदों की रचना वेद व्यास जी ने किया था, कुछ लोग, क्या ये हकीकत है, तो वेदों की रचना वेद व्यास जी ने किया इसीलिए इसको वेद कहा गया, या वेदों की रचना उन्होंने किया तो इसलिए उनको वेद व्यास कहा गया। और उनका एक नाम और मिलता है, वो नाम है कृष्ण द्वापायन, ठीक, कृष्ण द्वापायन जो उनका नाम है, ओरिजिनल नाम वही है, जैसे मेरा नाम गौरव पांडे है, ठीक है, और वैसे घर में सब अंतरिक्ष बुलाते हैं, वैसे उनका भी था कि कृष्ण द्वापायन, और उन्होंने वेदों की रचना की तो वेद व्यास नाम पड़ गया। एक चीज और, थ्योरी पढ़ते रहिएगा, मैं चीजों को एक एक लाइन को बोल्ड पे लिखूंगा, एक एक वेद को मैं आपको क्लियरली एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा, और आपको क्या करना है, मेरे साथ नोट्स बनाना है। देखिए पीडीएफ वगैरह चीजें आपको मिलती हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं इस पर कम बिलीव करता हूं, क्योंकि पढ़ने के बाद जब आप कोई चीज लिखते हैं ऑन द स्पॉट, तो उस चीजों को आप 6 बार रिवाइज करते हैं। 6 बार कहने का मतलब क्या है कि जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूं, एक बार आप सुन रहे हैं, फिर एक बार मैं लिखूंगा,
उस समय भी मैं बोलूंगा, आप भी बोल के लिखेंगे, तो उस समय 30 से 40% हमारे दिमाग में क्या होता है, चीजें कवर हो जाती हैं। तो वेद, सबसे पहला वेद कौन सा था या सबसे प्राचीनतम वेद? तो सबसे प्राचीनतम वेद था ऋग्वेद। ऋग्वेद की रचना सप्त सैंधों के क्षेत्र में हुई थी। अब ये सप्त सैंधों का क्षेत्र कहां से आता है? जब वैदिक युग में आर्य आए थे, थोड़ी थोड़ी थ्योरी बताते हैं, थोड़ा थोड़ा लिखाते चलते, फिर आपको टाइम देंगे इनफ स्क्रीनशॉट लेने का, आप लेके लिख लीजिएगा, ठीक है। सप्त सैंधो नाम कैसे आया? हुआ क्या कि जब वैदिक युग में या ऋग्वैदिक में भारत में आर्यों का आक्रमण हुआ, किसका? आर्यों का। आर्य भारत आए, उनका आक्रमण हो गया। अब उनके आक्रमण के बाद क्या होता है कि उन्होंने अपना जो सबसे पहला निवास स्थल बनाया वो सप्त सैंधों को बनाया। सप्त सैंधो मतलब सिंधु और उसकी सहायक नदियां, जैसे सरस्वती, अभी लिखा देंगे, जैसे सरस्वती नदी को नदी तमा, नदी माता कहा जाता है, सिंधु को हिरण्यावती कहा जाता है। उसका रीजन, हिरण्य शब्द का अर्थ होता है सोना, यह था कि सिंधु नदी में सोना बहता है इसलिए उसको हिरण्यावती कहते हैं। फिर चनाब है, सतलज है, सब है। तो सबसे प्राचीनतम वेद हुआ ऋग्वेद। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इन तीनों वेदों को मिलाकर हम त्रयी कहते हैं। और जो नवीनतम वेद है हमारा, जिसे हम अथर्वेद की संज्ञा देते हैं, वो त्रयी शब्द में नहीं आता है, ठीक। त्र शब्द जहां भी आ जाए आप तीन समझिएगा, त्रिनेत्र, त्रिशूल, त्रिलोकी, ठीक। तो ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इन तीनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं? त्रयी कहते हैं। और इसमें सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। पहले चीज क्या है कि देखिए, हमने चार्ट भी बनाया है, ये चार्ट जो है आप आराम से लिख लीजिएगा, ठीक है। तो पहले उन बातों को लिखते हैं जितना भी पढ़े, फिर एक एक वेद और सबके अरण्यक, ब्राह्मण, उपनिषद उठाते हैं, उनकी व्याख्या करते चलते हैं और उससे सारे वेद खत्म हो जाएंगे और लास्ट में आप इस चार्ट को बना लीजिएगा। ये चार्ट आपको इस पॉइंट से बेनिफिट देगा कि जैसे आपसे कभी पूछ लिया किसी ने कि भैया केन उपनिषद किस वेद का हिस्सा है, तो केन उपनिषद आपने चार्ट देखा, सीधा बता दिया सामवेद का है। या आपके एग्जाम में पूछ लिया मैत्रायण किस वेद का हिस्सा है, आपने सीधा चार्ट उठाया, देख के बता दिया। तो इस चार्ट को हम आपको बाद में दिखाते हैं, पहले हम आपको जितना पढ़ाए वो बताते हैं। तो वेद की बात करें तो वेद इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्त, यहां से एक प्रश्न अवश्य आपके एग्जाम में फंसेगा, ठीक है। पिछली बार भी आया था, इस बार भी आएगा, इसीलिए आप परेशान मत होइएगा। देखिए, वेद शब्द का अर्थ, और साथ में लिखते चलिए, ए बाबा लोग लिखिए, वेद शब्द का अर्थ ज्ञान होता है। वैदिक साहित्य को अपौरुषेय या नित्य कहते हैं। कुल चार वेद हैं, ऋग्वेद। दोस्तों नोट्स बनाते रहिएगा, नोट्स आपको बहुत बेनिफिट देगा, ठीक है, वैकेंसी के बीच पॉइंट ऑफ व्यू से और फ्यूचर में भी, क्योंकि चीज़ें हिस्ट्री में बदलती नहीं हैं, करंट की जो चीज़ें आती हैं वो करंट अफेयर के रूप में ऐड हो जाती हैं और वैसे कोई चीज़ें आपकी बदलती नहीं है, इसलिए नोट साथ में बनाते चलिएगा। ऋग्वेद, ये मैं क्रम से लिखा दे रहा हूँ आपको, ठीक है। सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ठीक। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? तो सम्मिलित रूप से इनको त्रयी कहा जाता है, ठीक, याद रखिएगा इसको, इंपॉर्टेंट लाइन है। वेदों की रचना कृष्ण द्वैपायन ने किया था
या नहीं किया था? वैदिक साहित्य, श्रुति, मैंने अभी आपको समझाया, श्रुति के नाम से भी विख्यात है। एकदम ध्यान से सुनिएगा, सब क्लास में ही याद हो जाएगा। क्लियर? चलिए अब लोग स्क्रीनशॉट, जिसको लेना हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या इसको लिखना है फट से लिख लीजिए। तो जो सबसे पहला वेद मिला वो क्या था? वो था ऋग्वेद। पहले ऋग्वेद को ऐतिहासिक युग में रखा जाता था, लेकिन 2018-19 में एक बात आई कि ऋग्वेद को हम आद्य ऐतिहासिक युग में रखेंगे। आपको पता है इसको भी माना गया है। तो आद्य ऐतिहासिक में इसलिए रखा गया क्योंकि जैसे हड़प्पा सभ्यता थी, तो हड़प्पा सभ्यता से लिखे हुए साक्ष्य मिले थे लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सका था। और पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल में क्या था कि ना तो लिखा हुआ मिला और ना ही पढ़ा गया, तो इसलिए उसको प्रागैतिहासिक युग में रख दिया गया था। ऋग्वेद में क्या हुआ, ऋग्वैदिक काल में कंठस्थ चीजें आने लगी थी, तो इसको भी किस में रखा गया? आद्य ऐतिहासिक में। तो ऋग्वेद की जो रचना है, मैं चार्ट आपको बाद में दे दूंगा, पहले यहां एक चीज समझा देते। ऋग्वेद की जो रचना है वो सप्त सैंधो के क्षेत्र में हुआ था। और ऋग्वेद ही नहीं, हर वेद के अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं, अपने अरण्यक हैं और अपने उपनिषद। ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, अगर एक बोलचाल की भाषा में बताएं तो ब्राह्मणों के बारे में जानकारी देने वाला। ब्राह्मण मतलब ये नहीं पांडे मिश्रा तिवारी, नहीं, जो लोग पूजा पाठ कराते थे, जो पुरोहित टाइप के होते थे। तो ब्राह्मणों के बारे में जानकारी देना, ब्राह्मणों की दैनिक दिनचर्या के बारे में बताना, इसकी जानकारी कहां से मिली? ब्राह्मण ग्रंथ से। अरण्यक मतलब होता है जंगल, जंगल में बैठ के लिखे गए ग्रंथ को अरण्यक कहते हैं। और उपनिषद के दो अर्थ होते हैं, उपनिषद के दो अर्थ होते हैं। पहला है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान लेना, ठीक, जैसे आप, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप मेरे पास बैठे हैं, आप ज्ञान ले रहे हैं, तो गुरु के समीप बैठकर ज्ञान लेना या आत्मा परमात्मा की बातें अर्थात दर्शन सार। कुल लगभग 108 उपनिषद हैं, पर सिर्फ उसमें से 10 ही उपनिषद की वैल्यू है, ठीक, याद रखिएगा। कुल लगभग 108 उपनिषद है लेकिन 10 ही उपनिषद हैं जो अस्तित्व में। जैसे ऋग्वेद में 1028 सूक्त है, ठीक, जिसमें 1017 साकल सूक्त है जो उपलब्ध है, 11 बालखिल्य है उपलब्ध नहीं है, और वाशकिल सूक्त भी है वो एकदम अस्तित्व में ही नहीं है। तो होता है कि भाई रचना हुई, ठीक है, लोगों ने अनुमान लगाया या कहीं लिखा हुआ पाया गया कि 108 है, लेकिन जब देखा गया, खोजा गया, तो अभी 10 ही मिले हैं, बाकी हो सकता है आगे खोज लिया जाए। तो हर वेद के अपने ब्राह्मण ग्रंथ, अपने अरण्यक और अपने उपनिषद होते हैं। तो ऋग्वेद की रचना सप्त सैंधो नामक क्षेत्र में हुई थी। ब्राह्मणों के बारे में जानकारी देने वाले ग्रंथ को, और ये सबसे अच्छा तरीका है, स्कूल में इसीलिए लोग बैग ढूंढ होके लेके जाते हैं कॉपी और पेन, कि वो स्कूल में लिखना है, और स्कूल में लिखने की आदत नहीं है तो अब डाल लीजिए दोस्त, जो भी टॉप करता है, जो भी पढ़ता है, तो वो पक्का नोट्स बनाता है, ये बात को समझ के रखिए। जानकारी देने वाले ग्रंथ को ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं।
जंगल में बैठ के लिखे गए ग्रंथ को अरण्यक कहा जाता है। उपनिषद के निम्न दो अर्थ, पहला गुरु के समीप बैठकर ज्ञान लेना, और दूसरा आत्मा परमात्मा की बातें। अर्थात दर्शन शास्त्र। ठीक, लिखिए, स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए। तो ऋग्वेद के जो पुरोहित थे उनको होता या होत्री कहा गया, मेरी बात समझिएगा। ऋग्वेद के जो पुरोहित थे, चार्ट में है, आपको चार्ट में है, जो चीजें चार्ट में नहीं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। ऋग्वेद के पुरोहित को होता या होत्री कहा गया, पहली चीज। ऋग्वेद का जो उपवेद था वो आयुर्वेद था, ठीक है, जिसके संकलनकर्ता कौन थे, प्रजापात थे। ऋग्वेद में 1028 सूक्त है। सूक्त मतलब मंत्रों का संकलन, ऐसे समझ लीजिए। मिनिमम 75 मंत्र होने चाहिए एक सूक्त में, और उसके 75 के ऊपर कितने भी हों उससे नहीं होता है, क्योंकि फिर यही सूक्तों के संकलन को मंडल कहा जाता है, क्योंकि ऋग्वेद का हिस्सा मंडल भी है, जो 10 मंडल है। तो 1028 सूक्त हैं, लगभग 10,580 उसमें क्या है, मंत्र हैं। अब मुद्दा यह है कि जो 1028 सूक्त है उसमें 1017 साकल सूक्त है जो उपलब्ध है, 11 बालखिल्य है, ठीक, जो कि उपलब्ध नहीं है, और 56 वास्कल है जिसका कोई भी अस्तित्व नहीं है। 56 अलग से है, वो 1028 में इंक्लूड नहीं है, ठीक। उसके बाद जो इसका ब्राह्मण, ऐत्रेय, सॉरी अरण्यक और उपनिषद है, वो ऐत्रेय और कौशितकी है। ध्यान से सुनते देखिए, जैसे होता है ना कि जैसे हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री में एंशियंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, साउथ हिस्ट्री, नॉर्थ हिस्ट्री, राजस्थान हिस्ट्री, तो विषय इतिहास है, लेकिन सबके अपनी अपनी उपयोगिता के आधार पर सब बढ़ चुके हैं। वैसे विषय वेद है, और वेद में ऋग्वेद है, पीएलटी के सिलेबस में हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, सबके अपने अपने पार्ट्स हैं। उसी हिसाब से वेद है, वेद में ऋग्वेद है, और ऋग्वेद के भी अपने अपने क्या है, पार्ट्स हैं। ऐत्रेय और कौशितकी है, इसका ब्राह्मण ग्रंथ में भी यही आता है, अरण्यक में भी यही आता है, और इसके उपनिषद में भी आता है। तो इन दोनों के बारे में भी अगला आगे समझाते हैं, पहले इसको आपको बता दें। तो हेडिंग लगा लीजिएगा ऋग्वेद, ठीक। देखिए कितना है सूक्त, 1028 सूक्त है, ठीक। इसमें 1017 साकल सूक्त है, 11 बालखिल्य है, 11 उपलब्ध नहीं है, ठीक, और ये जो 56 है वास्कल शाखा, ये अलग से है, ये भी उपलब्ध नहीं है, पहली चीज, ठीक। उसके साथ साथ ऋग्वेद में 10 मंडल है, क्या है, 10 मंडल। मंडल के बारे में आपको अलग से बताएंगे। अब यहां पर आते हैं, ऐत्रेय
और कौशितिक, ठीक, जो ब्राह्मण ग्रंथ है, क्या है, बाकी चार्ट में है, ऐसे ही ग्राफ बना के पढ़ना है आपको। ऐत्रेय और कौशितिक, ऐत्रेय की अगर रचना की बात करें तो इसकी रचना महिदास ने किया था और महिदास की माताजी का नाम इतारा था। क्या नाम था? इतारा। क्योंकि महिदास की माताजी का नाम इतारा था इसीलिए इसको ऐत्रेय कहा गया। पहली बार राजन शब्द का प्रयोग या राज अभिषेक का प्रयोग जो होता है वो ऐत्रेय ब्राह्मण में ही होता है, क्योंकि जब वैदिक साहित्य आता है या वैदिक युग आता है फिर राजा लोगों का अस्तित्व आना चालू हो जाता है, फिर लोग राजा बनना चालू हो जाते हैं, राज अभिषेक होने लगता है। ठीक, तो ऐत्रेय की रचना की बात करें तो इसकी रचना महिदास जी ने किया, इनकी मां का नाम इतारा था इसलिए इसको ऐत्रेय ब्राह्मण कहा गया। ठीक, पहली बार राजन और राज अभिषेक शब्द का जिक्र जो है, शब्द का जिक्र जो है वो किसमें मिलता है? ऐत्रेय ब्राह्मण में। इसके है कौशितिकी, इसको कुशितिक ऋषि ने लिखा था। ठीक, इसकी अगर हम रचना की बात करें, इसकी रचना की बात करें तो कुशितिक ऋषि, ठीक समझिएगा, कुशितिक ऋषि ने इसकी रचना की थी। इसको संख्यान भी कहते हैं, संख्यान या संख्यान भी कहा जाता है, जिसमें विभिन्न यज्ञों का क्या मिलता है, जिक्र मिलता है। ठीक है, इसे संख्यान के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फट से, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो वेद आता है वो है सामवेद। साम शब्द का अर्थ होता है संगीत, संगीत। सामवेद के जो पुरोहित थे वो कौन थे? उद्गाता। ठीक, मैं फिर से कह रहा हूं, चार्ट अभी लास्ट में आपको दिखा दूंगा, आप लिख लीजिएगा। सामवेद के जो पुरोहित थे वो कौन थे? उद्गाता थे। सामवेद का उपवेद कई बार पूछा जाता है, सामवेद का उपवेद था गंधर्वेद, और गंधर्वेद के जो संकलनकर्ता थे वो कौन थे? वो नारद थे। सामवेद में 1549 मंत्र हैं। ठीक है, बहुत सारी किताबें 1680 लिखती हैं, बहुत सारे लोग भी 1680 बताते हैं, लेकिन मैं आपको एग्जैक्ट बता रहा हूं 1549 मंत्र हैं। 1549 मंत्रों भी वो सामवेद के नहीं है, क्योंकि अगर सभी वेदों में देखा जाए तो सामवेद का ऐतिहासिक महत्व सबसे कम है। सामवेद का ऐतिहासिक महत्व इसलिए सबसे कम है क्योंकि जो 1549 मंत्रों का संकलन हुआ है, क्योंकि देखिए ऋग्वेद में क्या था कि देवताओं की स्तुति में गाए गए मंत्र, मतलब देवताओं की याद में, अब उसको कहीं ना कहीं लोगों को लिखना था तो सामवेद में लोगों ने लिखना चालू किया। सामवेद में क्या है? देवताओं की याद में लिखे गए मंत्र या गाए जाने योग्य मंत्रों का संकलन। ठीक, या उसको हम ऐसे कह सकते हैं कि गाए जाने योग्य मंत्रों का जो संकलन है वो किसमें है? तो वो सामवेद में है। क्लियर? सामवेद का ऐतिहासिक महत्व तो सभी वेदों में सबसे कम है, क्योंकि 1549 मंत्रों में से मात्र 75 मंत्र किसके हैं? सामवेद के। सवाल उठता है फिर बाकी किसके मंत्र हैं? तो बाकी जो मंत्र हैं वो किसके हैं? वो ऋग्वेद के हैं। 1549 मंत्रों में से मात्र 75 मंत्र सामवेद के हैं, बाकी के बाकी जो मंत्र हैं वो किसके हैं? वो ऋग्वेद के हैं। भारत में शास्त्रीय संगीत का उदय जो भी माना जाता है सामवेद से माना जाता है। ठीक, सारे गामा पधनिसा 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 पधनिसा, ये गाना भी जो सारे गामा पाया ये भी सामवेद से आया। सामवेद की कुल तीन शाखाएं हैं, कौथुम, रणनीय और तांडी। ठीक, अब बात को समझिए, भी लिखा दे रहे हैं तो आपसे ये सवाल इस तरह भी पूछ सकता है कि वह कौन सा वेद है। ठीक है,
जिसका ऐतिहासिक महत्व तो सबसे कम है। यह वह कौन सा वेद है जो ऋग्वेद पर निर्भर करता है? यह वह कौन सा वेद है जिसमें ऋग्वेद के मंत्रों का संकलन किया गया है? तो वो क्या है? सामवेद। सामवेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो है तांड और जैमिनीय। ठीक, तांड जो है वो बड़ा ब्राह्मण, सबसे बड़ा नहीं है, बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है जो कि 25 अध्यायों में बटा है। 25 अध्यायों में बटने के कारण इसको पंचविश या षडविश के नाम से भी जानते हैं। तो आपसे पूछ सकता है किस ब्राह्मण ग्रंथ को हम पंचविश या षडविश के नाम से जानते हैं? तो वो तांड है। उसके बाद जैमिनीय है। इनका जो उपनिषद है छंदोग उपनिषद, ये इंपॉर्टेंट है। पहली बार कृष्ण भगवान का उल्लेख, अर्थात देवकी पुत्र कृष्ण का जो उल्लेख मिलता है वो किसमें मिलता है? वो छंदोग उपनिषद में मिलता है। और छंदोग उपनिषद किसका हिस्सा है? तो छंदोग उपनिषद सामवेद का हिस्सा है। इतना पढ़ा देना है, सब दिमाग किस निकल जाए तोरे से। ठीक है, इतना पहले पढ़ लेना है तो फिर दिमाग स्लिप होता रहेगा, दिक्कत हो जाएगी। सामवेद, ठीक, इसमें थोड़ा सा लाइन लिखना पड़ेगा, इसलिए मैं इसमें लिख दे रहा हूँ आपको। अगर इसके आप पूछे विषय के बारे में पूछे तो गाए जाने योग्य मंत्रों का संकलन, ठीक, इसका ऐतिहासिक महत्व सबसे कम है क्योंकि 1549 मंत्रों में से मात्र 75 मंत्र सामवेद के। भारत में शास्त्रीय संगीत का उदय सारे गा मा, ठीक, शास्त्रीय संगीत का उदय, नोट्स बना लीजिएगा दोस्तों, सामवेद से माना जाता है। क्लियर? इसकी कुल 3 शाखाएं हैं। इसकी 3 शाखाएं हैं, कौथुम, रणायनीय और जैमिनीय। क्लियर? लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट लिख लीजिए। चलिए, उसके बाद हमने आपसे क्या कहा कि जो ब्राह्मण ग्रंथ है इसका वो है तांड जैमिनीय। ठीक, तो तांड जो है, तांड ब्राह्मण ग्रंथ पच्चीस अध्यायों में बटा है। इसलिए इसे पंचविश या षडविश के नाम से भी जानते हैं।
छंदोग्य उपनिषद सबसे प्राचीनतम उपनिषद है। और सर्वप्रथम देवकी पुत्र कृष्ण का जिक्र इसी उपनिषद में मिलता है। चलिए लिख लीजिए, फिर यजुर्वेद पे चलते हैं। इसके बाद जो वेद आता है वो है यजुर्वेद। यजु शब्द का अर्थ होता है यज्ञ। ठीक, अब धीरे धीरे भाई लोगों का उद्भव हो रहा था, लोगों का उदय हो रहा था, तो भाई लोग पूजा पाठ भी कर रहे थे। ठीक है, यज्ञों की भी प्रचलता बढ़ रही थी। तो जो यजुर्वेद है, यजु शब्द का अर्थ होता है यज्ञ। तो विभिन्न प्रकार के यज्ञों का जिक्र, जैसे राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, तमाम यज्ञ, इनका जिक्र यजुर्वेद में मिलता है। पहली बार हाथी शब्द का उल्लेख भी, वह याद रखिएगा, पहली बार हाथी शब्द का उल्लेख भी जो मिलता है वो भी यजुर्वेद में ही पाया जाता है। मेरी बात ध्यान से सुनते जाइएगा और समझते जाइएगा। ठीक, यजुर्वेद के पुरोहित अधर्व्यु थे। ठीक, इसका जो उपवेद है वो क्या है, उपवेद। ठीक, तो यजुर्वेद का उपवेद क्या है दोस्तों? ठीक, धनुर्वेद है। और इसके संकलनकर्ता कौन है? तो इसके संकलनकर्ता है विश्वामित्र। ठीक है, यजुर्वेद दो भागों में है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, जिसमें कृष्ण यजुर्वेद को ही मेन यजुर्वेद माना जाता है। इसके साथ साथ यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है। ठीक, कभी आपसे पूछ लिया कि कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में है, तो यजुर्वेद जो है वो गद्य और पद्य दोनों में है। इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ सबसे बड़ा और सबसे प्राचीनतम ब्राह्मण ग्रंथ माना जाता है। अब इसको सबसे प्राचीनतम क्यों मानते हैं, इस बात को कोई निष्कर्ष नहीं मिलता है, लेकिन सबसे बड़ा और सबसे प्राचीनतम जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो कौन सा है, वो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। फिर इसके उपनिषदों के बारे में बताते हैं। अगला जो वेद है वो है यजुर्वेद। विभिन्न प्रकार के यज्ञ, ठीक, इसको भी वैसे ही बता दे क्या जैसे ऋग्वेद बताए थे, और क्या इसमें ज्यादा, उसमें टिटिम्मा तो कुछ करना नहीं है, इसको ज्यादा कुछ तो बताना नहीं है। ठीक है, इसकी दो शाखा है, कृष्ण और शुक्ल। कृष्ण की बात करें तो इसकी भी शाखा है। ठीक, कर्णव और मध्यान्दिन। काठक, कपिष्ठल, मैत्रेय, ये किसके हैं? ये तीनों किसके हैं, चारों किसके हैं? तो ये चारों शुक्ल यजुर्वेद के हैं। कृष्ण यजुर्वेद के कौन से हैं? कर्णव और मध्यादिन। और शुक्ल के हैं काठक, कपिष्ठल, मैत्रेय और तैत्रेय। यजुर्वेद जो है ये गद्य और पद्य दोनों में है। ठीक, इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है शतपथ ब्राह्मण
इसके बारे में कहा जाता है यह सबसे बड़ा और सबसे प्राचीनतम ब्राह्मण ग्रंथ है। देखिए शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ की अगर आपको पूछेंगे इसका संकलनकर्ता कौन है, तो इसके संकलनकर्ता है याज्ञवल्क। कौन है? याज्ञवल्क है। अब शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ हो गया, इसी में पहली बार जल प्लावन का जिक्र मिलता है, ठीक है, जल प्लावन का जिक्र मिलता है, ठीक, किसमें? शतपथ ब्राह्मण में। क्योंकि आप लोग एलटी का पढ़ रहे हैं इसलिए थोड़ा सा डीप जाना पड़ता है इसमें जीएस के लिए। यजुर्वेद के जो उपनिषद हैं, ठीक, जैसे बृहदारण्यक उपनिषद, ठीक है, कठोपनिषद, श्वेता श्वेतर, ईशोपनिषद, मैत्रेयी उपनिषद, इसके तमाम उपनिषद हैं। और इसके उपनिषदों की खास बात क्या है? याज्ञवल्क और गार्गी के संवाद हैं, ठीक, यम और नचिकेता के संवाद है, और अधिक अन्न उपजाओ मतलब और फसल उपजाओ, ये सारा जिक्र यजुर्वेद के ही उपनिषद में मिलता है। और ये किन किन उपनिषदों में मिलता है? बृहदारण्यक उपनिषद में, याज्ञवल्क और गार्गी का प्रसिद्ध संवाद है, कठोपनिषद में यम और नचिकेता का है, कठोपनिषद में यम और नचिकेता का प्रसिद्ध संवाद है, और तैत्रेयी उपनिषद में और अन्न उपजाओ का जिक्र मिलता है। ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आखिरी जो वेद है वो है अथर्ववेद। अथर्ववेद को त्रयी का हिस्सा नहीं बनाया गया, ये नवीनतम वेद है, क्योंकि धीरे धीरे क्या हुआ कि फिर कर्मकांड बहुत ज्यादा हो गए। आज की डेट में भी आप देखेंगे कर्मकांड बहुत ज्यादा है, ठीक है, मतलब तंत्र मंत्र झाड़ फूक, जैसे हमको खुद लग रहा है नजर लग गई है, ठीक है, तो तंत्र मंत्र झाड़ फूक, जादू टोना, ये तमाम चीजें जो हैं ये अथर्ववेद में मिली। और अगर कहीं पर तंत्र मंत्र हैं, झाड़ फूक हैं, ठीक है, तो बाहर सी बात है, जैसे हम लोग कहीं जाते हैं, जैसे हर्षोभरम हो गया या बालाजी हो गए, तो जैसे मान लीजिए हम किसी तांत्रिक के पास गए, कहे भैया हमको चुड़ैल लगा है, तो कहेगा हाँ चुड़ैल को भगा देंगे, ये औषधि लगेगी, ये होगा। तो जब तंत्र मंत्र तमाम चीजें हैं तो औषधि का भी जो जिक्र है वो किसमें मिलता है? अथर्ववेद में। कंफ्यूज मत होइएगा, आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है, ठीक है, लेकिन अगर पूछा गया कि औषधि का जिक्र कहां मिलता है, तो औषधि का जिक्र जो मिलता है वो किसमें मिलता है? वो अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद के जो पुरोहित थे वो थे ब्रह्मा, जिनको यज्ञों का निरीक्षण करता कहा गया। इसका उपवेद था शिल्पवेद, ठीक, जिसके संकलनकर्ता थे विश्वकर्मा, क्लियर। और इसमें जो ब्राह्मण ग्रंथ था वो था गोपथ ब्राह्मण, ठीक, आरण्यक नहीं है, याद रखिएगा अथर्ववेद में आरण्यक नहीं है। इसके जो उपनिषद हैं वो है मुंडकोपनिषद और मांडवकोपनिषद और प्रश्नोपनिषद। मुंडकोपनिषद जो है, ठीक है, सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है, और मांडवकोपनिषद सबसे छोटा उपनिषद है, ठीक, आपसे पूछ सकता है कि सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है, तो वो है मांडवकोपनिषद। तो सबसे नवीनतम वेद कौन सा है? वो है अथर्ववेद।
इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा आपके जीएस में, वेद से अगर सवाल आया तो। ठीक, जो लोग पढ़ रहे हैं या जो लोग पढ़ चुके हैं वो समझ सकते हैं। इसकी भी दो शाखा है, सौनक पिपलाद। ठीक, दो शाखाएं हैं किसकी, इसी की। ठीक है, कभी कभी हमारे बोलते हम सही है पर लिख गलत देते हैं। ठीक, ये इसकी दो शाखा है, पहली चीज। ठीक है, उसके बाद अंग और मगध महाजनपद का उल्लेख, ये हो गया। ठीक, उसके साथ साथ क्या है, चार्ट में लिखा ही है, उसमें मैंने बताया है अरण्यक नहीं है, चार्ट में है मुंडकोपनिषद। इससे क्या लिया गया है, तो सत्यमेव जयते। ठीक, और उसके साथ साथ क्या है, मांड्यूकोपनिषद। और इसकी हम बात करें तो ये सबसे छोटा उपनिषद है। ये थे आपके वेद और कुछ इंपॉर्टेंट क्या थे उसके उपनिषद। क्लियर, अगर आपको पूछा अथर्ववेद की रचना किसने किया है तो अंगिरस ऋषि ने किया है। ठीक, रचना इन्होंने की हुई है ये, क्योंकि वेद इंपॉर्टेंट है, यहां से आपको सवाल आते हैं। अब ये तमाम कहानी के बाद मैं आपको अब चार्ट दिखा देता हूं, इस चार्ट को आप बना लीजिएगा। ठीक, सब है इसमें। ठीक है, जैसे पूछा था पीसीएस में पूछा था कि केन उपनिषद किसका हिस्सा है, तो केन उपनिषद जो है वो किसका है, सामवेद का। क्लियर, स्क्रीनशॉट आप अपना ले लीजिएगा। उसके बाद अगला जो है ये अधरव्यू होगा, अधरव्यू। ठीक, और इसमें क्या कहते हैं, वो नहीं है आपका, क्या नहीं है, अरण्यक नहीं। तो ये आज एक छोटा सा चुनिंदा टॉपिक था वेद, जहां से सवाल लास्ट टाइम बना था, इस टाइम भी आपको बन सकता है, तो आप इसको लिख लीजिएगा। वेद में इससे ज्यादा कुछ नहीं है, पढ़ाने को लोग तो समुद्र का मंथन भी कर देंगे, लेकिन पढ़ाना ही नहीं होता, स्मार्ट स्टडी सबसे बड़ी चीज होती है। एग्जाम के नेचर को समझकर फ्यूचर डिसाइड करना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सब पढ़ लेना चाहिए, सब कहां से पढ़ पाएंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, दिवाली की सबको हार्दिक शुभकामनाएं, अच्छे से घर में दिया जलाइए, घर को रोशन करिए, दिवाली को एंजॉय करिए। ठीक है, हमारी मुलाकात फिर बहुत जल्द होगी अगले किसी ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, जहां से आपको प्रश्न बन सकते हैं। हम लोग मिलते हैं फिर दिवाली बाद, तब तक के लिए सबको जय हिंद जय भारत, सभी को धन्यवाद, खूब पटाखे दगाइए और खूब अच्छे से एंजॉय करिए। जय हिंद।